तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट क्रेश। तो आज की वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि मैं आपको अपना सस्ता सा व्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा। हाँ, और मैं किससे एडिट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, कौन से डिवाइस पे करता हूँ, कितना टाइम लगाता हूँ, ये सब मैं आपको इस व्लॉग पे आज बताऊंगा। तो अपने शरीर पे सस्ते से वस्त्र डालने के बाद मैं अभी अपने घर से निकलूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें अपना व्लॉगिंग सेटअप दिखाने वाला था। हाँ हाँ, तुम ही शोर कर लो पहले। तो क्या बोल रहा, भूल गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो अपना सस्ता सा व्लॉगिंग सेटअप दिखाने वाला था, लेकिन वो सेटअप देखने से पहले ये व्लॉग तो देख लो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पढ़ने। तो जैसे ही मैं घर से निकलने के लिए अपने धन्नो रानी पे बैठने ही वाला था, तो मैंने देखा कि इसका टायर के तो हाल ही बेहाल हुए हैं। अब इस धन्नो रानी को मुझे धकेलना पड़ेगा। तो मेरे घर से निकलते ही स्कूटी का टायर पंचर और आगे से चलो भैया का काम हो ही गया है। गाड़ी निकलने ही वाली है। अब मैं भी खड़ा था यहाँ पे, धक्का मारना है वैसे भी मुझे इसे। तो काफ़ी मेहनत के बाद, धक्का लगाने के बाद स्कूटी फाइनली मैं ले आया हूँ, और अभी पंचर बनाएंगे फिर चलेंगे। पंचर बन चुका है हमारा। तो स्कूटी को धक्का लगाने के बाद मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, इसलिए मैं खा रहा हूँ समोसे। समोसा खा के मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइब्रेरी क्यों जा रहा है। तो यार, आप फुल टाइम यूट्यूब तो कर नहीं सकते ना। आप क्या कहते हैं, क्या भरोसा यूट्यूब वालों, आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं, देख के मज़े लेके चले जाते हो। सब्सक्राइब भी कर दो। स्कूटी लग चुकी है, अभी मैं जाऊंगा अंदर। ये लाइब्रेरी है, अंदर जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए, और फिर थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। तो ब्रेक में आपको बताऊंगा कि मेरा सस्ता व्लॉगिंग सेटअप क्या है। तो लाइब्रेरी में तो मुझे टाइम मिला नहीं, इसलिए मैं घर आके ही अपना सस्ता सा व्लॉगिंग सेटअप दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरा ट्राइपॉड। हाँ, ये अमेज़ॉन का से मंगाया था मैंने ट्राईपॉड। ये था बेसिकली 300-350 रुपये का, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, जिसका ये आने के दूसरे तीसरे दिन ही टूट गया था। ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मतलब ढीला हो गया था, फिर टूट गया था, और ये ऐसा निकला पड़ा है तब से ही। और अब धीरे धीरे इसके अस्थि पंजर ढीले हो रहे हैं। ये देखो, यहाँ से भी टूटा है, ये पोर्शन भी टूटा है इसका, और ये पोर्शन भी इसका निकलता है। कैसे चला रहा हूँ मुझे ही पता है, इसके ये अस्थि पंजर बहुत ढीले हैं, लेकिन फिर भी मेरे काम चला हो जाता है, मैं अपना कर लेता हूँ। अब सोच रहा हूँ पहले YouTube इनकम आएगी तो यही खरीदूंगा। क्या बोला तूने? पता नहीं कब आएगी। सब्सक्राइबर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ओ बढ़ा दो। एक ट्राईपॉड तो ले लूँ कम से कम, नया ट्राईपॉड, नया ट्राईपॉड। रिकॉर्ड किससे करता हूँ, तो मेरे पास फ़ोन है आईफोन 13 प्रो, मैं उससे रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं एडिट किस में करता हूँ, यह है मेरा प्यारा सा सुंदर सा लैपटॉप मैकबुक एयर, जो मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये मेरे पास लॉगिटेक का माउस है, ये मैं यूज़ करता हूँ। बस ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और माइक मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, अभी इतना यूट्यूब पे नहीं लगा सकता हूँ पैसा, क्योंकि क्या पता आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, मैं फेमस हूँ ना हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल, तो उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने ब्लॉगिंग सेटअप पे। एक माइक लूँगा, एक अच्छा ट्राईपॉड लूँगा, और एक अच्छा एडिटर लूँगा। अभी वैसे मैं अपनी वीडियोज़ VN एडिटर से एडिट करता हूँ, जो कि जिसको भी उसका फ्री वर्जन, जो कि फ्री चलता है, जो कि बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं कर लेता हूँ उसमें। और बस यही सब है मेरा सस्ता सा व्लॉगिंग सेटअप। अगर आप लोग हेल्प करते हो तो ये सस्ते से महंगा कब हो जाए, क्या पता। तो बस यही है। तो घर पहुंचा मैं, और मैंने देखा कि पराठे बने हैं, कोमल ने हमारे लिए पराठे बनाए हैं। मम्मी को थोड़ा बुखार आ रहा है। मम्मी कितना बुखार है?
104 डिग्री बुखार आ रहा है, मम्मी थोड़ा सा गुस्से में भी है। और ये है रायता, सॉस और पराठे, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी बज रहे हैं 8:30 रात के, मम्मी को थोड़ा बुखार आ गया था तो मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, Dolo 650। और ये मौसम कुछ ऐसा है, हाची भी आया साथ में घूमने, मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। मैं भी छाता लेके निकला हूँ, छाता ओ नो, छाता भी थोड़ी सी फटी हुई है। हाची यहाँ बिल्लियाँ ढूंढ रहा है। हाची बिल्ली बिल्ली नहीं मिली क्या? क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है? कुछ तो मिला है तेरे को, क्या मिला है, क्या मिला है हाची, क्या मिला? हाँ मम्मी दवाई खा लेना ठीक है, सारी जो जो लेके आया था ठीक है भाई। मम्मी पता है 80 रुपये की आई दवाई, खाली 3-4 गोली। और ये आपकी आयुर्वेदिक की गोली कितने की है? 4,500 की है। बताओ पहले से क्या कहते हैं, पहले के समय से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती थी ना, जो वैद्य जो है उनको फ्री में बांटा करते थे, कूट कूट के इमाम दस्ते में उसमें, और फ्री में देते थे। और इंग्लिश गोलियाँ महंगी मिलती थी, और आज इंग्लिश गोलियाँ एक एक दो दो 4-4 रुपये में मिल जा रही है। और यहाँ देखो 4,500 की मेरी है इसकी दवाई है आयुर्वेदिक। कब तक ये दवाई? यही दवाइयाँ इंग्लिश दवाइयाँ होती तो मेरी 1,000 में आ जाती। हाँ ना, इंग्लिश दवाइयाँ। लेकिन अब दवाई हवाई कब तक खाओगे आप? फ्रेश व्रेश हो जाओ फटाफट से। पता नहीं आ रही तो मैं कह नहीं सकती हूँ। अगर किसी को मम्मी का इलाज पता है तो कमेंट बॉक्स पे इलाज बता दीजिए थोड़ा सा। दवाइयाँ खा खा के मम्मी बहुत बोर हो गई है। क्यों मम्मी? हाँ बहुत ही बोर हो गई हूँ, दुनिया भर का निकलता कुछ है नहीं। अब मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगा और कल सुबह इसको स्केड्यूल में लगा दूंगा, सुबह 7 या 8 बजे ये आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पे। लेट्स गो, तब तक के लिए इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, बाय।